नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बी विश्वास और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिदु। टेक्निकल बिदु में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लाया हूँ आधार कार्ड का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको जल्द ही मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म को अच्छा से पढ़ लेना है। यूनिट सेक्शन 3 ऑफ द आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एनओ एंड आधार सब्सक्राइब बेनिफिट्स सब्सिडीज इन बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016 आधार एक्ट। आधार एनरोलमेंट करेक्शन। आधार एनरोलमेंट इज़ फ्री एंड वॉलंटरी करेक्शन। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है सरकारी तरफ से। तो आपको किसी को कोई जुर्माना देना नहीं देना है। एंड आधार एनरोलमेंट इन केस ऑफ करेक्शन प्रोवाइड योर ईआईडी नेम एंड ओनली द फील्ड विच नीड्स करेक्शन। इन केस ऑफ करेक्शन प्रोवाइड योर नंबर हेयर डालना है, आपका आईडी नंबर डालना है, डेट मंथ ईयर मिनट सेकंड डालना है। प्लीज फॉलो द इंट्रोडक्शन वाइल फिल अप द फॉर्म यूज कैपिटल लेटर्स ओनली। ये बता रहा है कि आप इधर पे बड़े अक्षर में लिखना है, तब सभी को समझ जाए। तो एक नंबर पे प्री एनरोलमेंट आईडी, अगर आपके पास प्री एनरोलमेंट आईडी का नंबर नाम है तो इधर पे भरे, वरना छोड़ सकते हैं। एनपीआर रजिस्ट्रेशन टीन नंबर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो डालें, वरना छोड़ दें। फुल नेम इधर पर डालना है, तीन नंबर पर आपको फुल नंबर डालना है, चार नंबर पे जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मेल है तो मेल में टिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल में टिक कीजिए। नेम इधर डालना है, फादर नेम डालना है, हाउस नंबर विलेज अपार्टमेंट नंबर डालना है, इधर एड्रेस डालना है। एड्रेस क्या है तो सी ओ का मतलब कजिन हुआ, डी ओ का मतलब डॉटर हुआ, एस ओ का मतलब सन हुआ, एच ओ का डब्ल्यू ओ का मतलब वाइफ हुआ, एच ओ का मतलब हस्बैंड हुआ। तो इधर पर टिक करना है किसके नाम पर है ये। लैंडमार्क डालना है, लैंडमार्क डालना है इधर, स्ट्रीट रोड लेन डालना है, जो फेमस जगह आपका घर के नज़दीक क्या है, जैसे एसबीआई बैंक होता है, बड़ा एटीसी मॉल, इस सब का बड़े फेमस जगह का नाम आपको डालना है। लैंडमार्क वही डालना है, एरिया लोकेलिटी सेक्टर कौन सा है, आपका गांव कौन सा एरिया में पड़ता है, कौन सा रोड में पड़ता है, उसका नाम इधर डाल देना है। विलेज सिटी टाउन डालना है, तो मैं विलेज से विलेज में टिक करके विलेज का नाम लिख दिया है। पोस्ट ऑफिस रंगागोरा। डिस्ट्रिक्ट डालना है इधर पे, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में जो डालेंगे सब डिस्ट्रिक्ट सेम टू सेम डालना है। स्टेट डालना है, ईमेल आईडी है तो डाले वरना छोड़ दे। मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, क्योंकि हर जितना भी एसएमएस मैसेज आपका ऑफिशियल से आएगा तो आपको मोबाइल में मैसेज मिल जाएगा नंबर अगर देंगे तो, इसलिए मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है। पिन कोड 786147, ये जो हमारा आसाम का पिन कोड है तो मेरा है, तो आप अपना पिन कोड डालिएगा, क्योंकि पिन कोड नहीं डालने से आपका नहीं होगा। पिन कोड से हर ऑफिशियल काम होता है, ये ट्रांसफ़र लेन देन सब होगा। डिटेल्स ऑफ फादर मदर गार्जियन हस्बैंड वाइफ, अगर आपका घर का किसी सदस्य का आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसका नाम इधर पर भरे। विद आधार नंबर आप किसी के बड़े सदस्य के घर का कोई हेड ऑफ फैमिली का डालना होगा। आठ पे नंबर फोर डॉक्यूमेंट्स बेस्ट विथ द डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट रिफर ऑलवेज दिस प्रोफर दिस ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। पी ओ आई का मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो इधर पे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, ये सब डाल सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें आपका पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड, ये सब डाल सकते हैं। डी ओ बी का मतलब डेट ऑफ बर्थ, पी ओ आर का मतलब प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना होगा। फोर इंट्रोड्यूसर बेस्ट इंट्रोड्यूसर, आधार नंबर डालना होगा जो आपका हेड ऑफ फैमिली जो आपका बता रहा है, वैसा से डिटेल का नंबर इधर रखना है, इधर टिक करना है, ऐसा आधार नंबर डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना है। आई हेयर बाय कन्फर्म द आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जिसका नाम से आप बना रहे तो उनका कन्फर्म है कि बिजी है, थ्रू करेक्शन एंड एक्यूरेट सब कुछ ठीक है। इंट्रोड्यूसर हेड ऑफ़ फैमिली, जो आपको घर का हेड ऑफ़ फैमिली है उसका नाम लिखना है इधर पे, उसका सिग्नेचर करना है हेड ऑफ़ फैमिली का,
और इसमें लिखा है वेरीफाई स्टाम एंड सिग्नेचर, न्यू वेरीफाई नेम एंड स्टाम एंड नोटेबल एप्लीकेशन सिग्नेचर थंबप्रिंट। इधर पे जो एप्लीकेबल है तो उसका नाम इधर पे सिग्नेचर करना है, जिसका भी फॉर्म अदर में बनाना चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।